हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर मनोज कुमार पांडे। आज हम आपको कैटल के मिल्किंग मैनेजमेंट के बारे में बताना चाहते हैं। जनरली क्या होता है कि ये अक्सर पाया गया है, जो भी हमारे इंडियन फार्मर्स हैं वो जैसे रेगुलर दूध जानवर से लेते रहते हैं, जैसे एक बार काबिंग के बाद मतलब बच्चा देने के बाद जानवर दूध देना स्टार्ट करता है। तो जैसा कि साइंस में जो लोग नॉलेजफुल हैं वो तो जानकार हैं, लेकिन अधिकतर क्या आप ये मान के चलिए 70-80% जो फार्मर्स हैं उनको ये नहीं पता है कि ये जो हमारा जानवर दूध दे रहा है ये कैसे, मतलब क्या इसके अंदर ऐसा है कि जिससे भूसा खिला रहे हैं, हरा चारा खिला रहे हैं और ये दूध दे रहा है। ठीक है, दूध दे रहा है तो उसमें क्या क्या उसको सप्लीमेंट बाहर से हमको देने चाहिए जिससे वो रेगुलर अपने दूध पर बना रहे, या जो भी उसका 7-8 महीना मैक्सिमम जो दूध देने की लैक्टेशन पीरियड होता है उसमें हमको लगातार मिलता रहे और हमारा जानवर भी स्वस्थ रहे। लेकिन इस चीज़ की जानकारी ना होने के नाते अधिकतर लोग रेगुलर मतलब फुल टाइम दूध भी नहीं ले पाते हैं जानवर से, या अगर उन्होंने दूध लिया और बाहर से सप्लीमेंट नहीं दिया तो एक कंडीशन आती है कि जानवर उनका वीकनेस को की सिचुएशन में आ जाता है और फाइनली लगड़ाना शुरू करेगा। लगड़ाने के बाद रिकम्बेंसी की स्टेज आ जाती है और इस तरीके से एक बार जब रिकम्बेंसी, जिसे हम कहते हैं कि बैठ जाना, लेट जाना, ये सिचुएशन आ गई और प्रॉपरली या टाइमली ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो उसकी लाइफ ये मान के चलिए कि ख़त्म हो जाती है जानवर की। क्योंकि लार्ज एनिमल है, 500 kg उसका ऑन एन एवरेज, 400-500 kg उसका वेट है, और इतने बड़े वेट का कोई भी है जो लाइव एनिमल है, एक बार जब वो रिकम्बेंसी में आया तो फिर उसको रिकवर टाइमली, अगर वही चीज़ अगर टाइमली ट्रीटमेंट हुआ तो रिकवर हुआ, अदरवाइज अगर 2-4 दिन डिले हुआ तो मामला ख़त्म। तो उसके लिए आज हम आपको यही बताना चाहते हैं कि किस तरीके से हम मैनेज करें कि ये सिचुएशन ही ना आए कि ये रिकम्बेंसी में जाए। तो इसी चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। अगर हम किसी भी जानवर से रेगुलर दूध लेना चाहते हैं तो प्रॉपर चैनल तो ये कहता है या साइंटिफिक मेथड्स ये कहते हैं, अगर आप महीने में 30 दिन दूध ले रहे हैं तो आपको 15 दिन कैल्शियम सप्लीमेंट बाहर से देना ही देना है। क्योंकि जो कैल्शियम मिल्क में आ रहा है वो कहाँ से आता है, एनिमल की जो बॉडी में जो बोन्स हैं वहाँ से कैल्शियम फिल्ट्रेशन के माध्यम से ब्लड में जाता है, ब्लड से फिल्टर होकर फाइनली, मतलब एक मिल्क प्रोडक्शन या मिल्क का बनना एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू मैं आपको क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा टिपिकल प्रोसेस है, जब आप कभी फुर्सत में हो तो मैं आपको उसका वीडियो दिखाऊंगा कैसे कैसे मिल्क बॉडी में कन्वर्ट होता है, फिल्टर कैसे होता है, कितने प्रोसेस के थ्रू मिल्क आता है। तो जो कैल्शियम है वो बोन से मोबिलाइज होता है और फाइनली हमारे मिल्क में पहुँचता है। तो एक सिचुएशन ये आती है कि 5-6 महीना जानवर ने दूध दिया और हमने उसको बाहर से कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं दिया, क्योंकि भूसा और हरा चारा में कोई एडिशनल कैल्शियम नहीं आता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जानवर हमारा वीक होता चला जाता है, और वीक होने के नाते भाई हड्डी है, बोन है, अगर कैल्शियम मोबिलाइज हो जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ घटेगी, और स्ट्रेंथ जब घटेगी तो जाहिर सी बात है उसमें वीकनेस आएगी, आएगी तो लड़खड़ाहट और तमाम समस्याएं शुरू हो जाएंगी। तो मेरा यही आपसे कहना है कि अगर आप रेगुलर मिल्क प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि मिल्क ही एक ऐसा सोर्स है जिससे हम इनकम कर सकते हैं और हमारे किसान भाइयों को उससे नुकसान नहीं होगा। जो भी मच्छर डेयरी फार्मर हैं, पहले तो जो कामधेनु योजना थी, अब तो खैर वो इसमें नई सरकार आने की वजह से चेंज हो गई है, मुख्यमंत्री गोपालक योजना का आने की उम्मीद है, जल्द ही आएगा, मैं आपको सूचित करूंगा अपने नए वीडियो के साथ जैसे ही उसकी सूचना आती है तुरंत। तो ये सब इस तरीके से अगर मैनेज किया जाए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो इस तरीके से हम जानवर को रेगुलर कैल्शियम देते हुए ये मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और समस्या होती है कि अक्सर देखा जाता है, जिसको बोलते हैं हम डाउनर काउ सिंड्रोम। जानवर ने बच्चा दिया, बच्चा देने के बाद क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम बॉडी से बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रम।
जिसे आप हिंदी में खीस, मठार या ये सब चीज़ें लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है, तो उसमें कम से कम 10 से 20 गुना ज़्यादा कैल्शियम निकलता है दूध की अपेक्षा। बहुत गाढ़ा होता है, उसको आप उबालेंगे तो फट जाएगा ब्याने के ठीक 4 से 5 दिन तक। तो वो उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम बॉडी से निकल जाता है। और कुछ कुछ जानवर जो पहले से वीक है और उसके बोन से इतनी बॉडी से इतना कैल्शियम निकल गया, तो वो क्या करती है कि ये जो जानवर है, गाय या भैंस जो भी है, वो उसको रिकम्बेंसी की स्टेज आती है, मतलब वो बैठ जाती है स्टर्नल, मतलब मिडिल में, अक्सर मिडिल में बैठेगी, गर्दन झुकाए रहेगी, ये सब जो है उसमें होता है। तो इन सब चीज़ों में कैल्शियम सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी है, और कैल्शियम सप्लीमेंट आप दे देंगे तो ये सब चीज़ें, ये सब रिपीटेशन नहीं। तो उसी के साथ मैं अपना समाप्त करता हूँ, और आगे कोई भी रेगुलर अपडेट होगी मैं आपको सब्सक्राइबर के माध्यम से, जो भी सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, उनको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू।